मैं हर जगह ढूंढ रही थी, अपने गुरु को ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर इतनी बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं वो ओपन कैसे होगी, वो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। मैं पहले दिन ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे कवल के फूल में पत्री जी दिखते हैं और कह रहे हैं मैं ब्रह्म ऋषि लिखा नहीं है, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। और मैं इतना रो रही हूँ और उनके पैर पकड़ लिए मैंने, खूब रोई मैं, क्योंकि अब मुझे वो मिल गए थे जिन्हें मैं अब तक ढूंढ रही थी। एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पीएमसी हिंदी का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें पीएमसी हिंदी के सभी यूट्यूब चैनल्स पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम ये सारा का सारा जो कॉन्टेंट है, ये जो सारे के सारे अनुभव जो हम यहाँ पर लेकर आते हैं आप सभी के लिए, वो सभी के साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की। पत्री जी ने कहा है कि जब तक आप अपनी चेतना का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक आप धरती पर जन्म लेते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हैप्पी एसएसएम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हैप्पी एसएसएम में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे सीनियर प्राइवेट मास्टर्स को जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला, जिनकी जीवन में ध्यान आने के बाद क्या कुछ उन्होंने सीखा और क्या कुछ उन्होंने दूसरों को सिखाया, इसी के बारे में हम बात करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं चिरंजीत आहूजा जी। आइए स्वागत करते हैं मैम का। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही पीएमसी हिंदी चैनल का बहुत शुक्रिया, बेहद आभार, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सपना कर दिया साकार। जी धन्यवाद, बहुत खूबसूरत मैम। तो मैम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की, तो सबसे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपके बारे में, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी मैं दिल्ली की निवासी हूँ और टिपिकल सिख फैमिली से हूँ, और मेरा बचपना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा रहा। मैं दो भाइयों की, मम्मी पापा की बहुत लाडली रही, उनसे मुझे बेहद का प्यार मिला, और एक्चुअली ये कह सकते हैं वो मुझे ऐसा समझते थे कि मैं आसमान से उतरी हुई कोई परी हूँ। बहुत लाडों से उन्होंने रखा, तो बस उसके साथ मेरा बचपना चलता रहा। लेकिन मैं इन सब के साथ, इस लाड प्यार के साथ, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट थी, मुझे अकेलापन बड़ा भाता था। बच्चे जैसे घर घर खेलते हैं तो वो मेरा इंतज़ार करते थे कि ये हमारे साथ खेलेगी, पर मैं नहीं खेलती थी, मेरा खेल ही अलग होते थे। जैसे कि मुझे भगवान के साथ खेलना अच्छा लगता था बचपन में। मैं छोटी छोटी फोटोएं खरीदने के लिए बहुत दूर जाती थी, उस समय 50 पैसे की आती थी, वो खरीदती थी और एक गत्ते पे चिपका कर फिर अपने छोटे छोटे पैसों से घंटी खरीदती थी, फूल माला खरीदती थी, फलहार लेके, बस वो ही मेरा खेल होता था बचपन में। बस वो खेलते खेलते ये सब करने के बाद फिर मेरी उस उम्र के हिसाब से छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें शुरू होती थी भगवान के साथ। ये सिलसिला मेरा चलता रहा, धीरे धीरे मैं बड़ी होती रही, समझने लगी बातों को, तो 7-8 तक तो चलता रहा। एक बार 8th में एक गाइड के दौरान मैंने एक टाइटल पढ़ा कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। वहाँ कहीं गहराई, आध्यात्मिकता का जो बीज था वो फटने को तैयार था, वो मैं कहीं गहराई में चले गई। मैंने पूरा कंटेंट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अब ये समझ रही थी मैं कि मुझे इसमें करना कैसे है, मन को ज्योत बनाना कैसे है, ये 8th क्लास में था। इसी दौरान बचपना भी चल रहा था, हमारा घर बहुत बड़ा था, उस घर में 2 पेड़ थे, एक शहतूत का, एक बेर का, और मैं अपने भाइयों के लाडली थी तो वो मुझे घर से बाहर जाना अलाउ नहीं करते थे। तो मेरे साथी कौन होते थे, उस पेड़ पर बैठने वाली तितलियाँ, भंवरे, स्पैरो, चिड़िया, तो वो सब मेरे साथी होते थे। मैं उनके साथ पूरी दोपहर निकालती थी, हंसते खेलते पीछे भागते, और बस यूं ही समय निकल रहा था। आज वो समय याद आ रहा है, आपके वजह से आपका धन्यवाद, आपने मुझे मेरा बचपन याद दिलाया, वो मेरे घर का आंगन याद दिलाया जहाँ मैं खेल कूद के बड़ी हुई।
जी, तो बहुत ही खूबसूरत आपका बचपन रहा, तितलियों से भरा, कलरफुल था थोड़ा आपका जीवन। तो जैसे जैसे आप बड़े हुए, कोई ऐसी चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस किया, कोई ऐसा बात, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप साझा करना चाहें? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही टच पकड़ रहे हैं। ये तो बचपना था, बहुत प्यार था, बहुत ईजी था, जिसे मैं मक्खन मलाई भी कह सकती हूँ। 7th 8th तक बढ़िया, भगवान और मैं, हंसना खेलना, सब जानवरों को पालना। मेरे फादर बहुत स्पिरिट गाइड की तरह मेरे सपोर्ट में थे, वो हर तरह मेरी मदद करते थे। मेरे भाई मेरी सपोर्ट करते थे। पर एक बार 9th के अंदर सब्जेक्ट लेना था पंजाबी का, नहीं पंजाबी का एक्चुअली, मतलब मैंने पंजाबी लैंग्वेज चूज़ की। उस पंजाबी लैंग्वेज को चूज़ करने से मतलब वो मेरा सौभाग्य था कि मैंने पंजाबी ली, क्योंकि वहाँ से मेरी आध्यात्मिकता की शुरुआत अच्छे से हो जाती है। क्योंकि एकेडमिक स्टडी को पढ़ते पढ़ते मुझे रूहानिक स्टडी भी करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। मैंने उस दौरान पढ़ा बुल्ले शाह जी को, बाबा शेख फरीद जी को और बिरसा शाह जी को। जब मैं उनको पढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्वर लहरियां बज उठी। क्यों? उसमें लिखा था बाबा शेख फरीद जी ने कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सदो मैनू तिदो रांझा हीर ना आखो कोई। जब मैंने वो पढ़ा तो ये लगा ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैंने ही लिखा है, ये तो मेरा जीवन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अपने का एक रहस्य पैदा हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये मैं किसी को नहीं पढ़ रही, मैं खुद को पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैंने एक कलाम पढ़ा उसी स्कूल के बुक के दौरान बाबा शेख फरीद जी का, कि तन तंदूर हड्डा दा बालन असी हवा नाल तपाया, मैं सारी दी सारी बे बुलिया तेरी तेनू फिर भी एतबार ना आया। तो उसमें एक विरह की जो कसक थी वो मुझे समझ आ गई और वहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत होने लगी कि हाँ ऐसा भी कुछ है और यही मेरा जीवन है। और इधर तो पंजाबी, उधर से हिंदी लैंग्वेज में भी मैं मीरा जी को पढ़ रही थी स्टडी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के दौरान कबीर दास जी को पढ़ रही थी, राम रहीम जी को पढ़ रही थी। तो सब मेरी जर्नी आगे की तरफ बढ़ रही थी आध्यात्मिक, जो मुझे टच कर रही थी। उधर तो स्कूल की किताबें, स्कूल का स्टडी तो मैं कर ही रही थी, पर इधर एक अपनी ही पढ़ाई मेरी आध्यात्मिकता की शुरू हो रही थी, साइड बाय साइड ग्रो हो रही थी, फूल खिल रहा था। तो यूं ही बढ़ते रहे आगे, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ती रही। मैं किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि ये मुझे समझ भी नहीं आता था मैं किसी से क्या पूछूं इस विषय पे। पर जब मैं 12वीं कक्षा तक पहुँची तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। एक दिन मैं बहुत तेज सुबह सुबह कर रोने लगी अपनी मम्मा के गले लगकर। बच्चे जब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं तो उन्हें मम्मा ही याद आती है। तो मम्मा के गले मिलके मैं खूब रोई। तो मम्मा ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मम्मा अब मैं ना रह नहीं सकती। उनके किसके बिना? मैंने कहा भगवान के बिना, मुझे उससे मिला दो, अब नहीं बर्दाश्त होता। तो मम्मा ने कहा, तो समझा सकती थी वो, बड़ी सीधी और भोली मेरी मम्मा हैं, जिस लेवल पे वो समझा सकती थी। तो उन्होंने मुझे समझाया, पर वहाँ से मेरा विरागमयी जीवन भी शुरू हो चुका था। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि अब मैं उदासियों में 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने हैं मुझे, और उधर से मेरे अंदर विराग भी आ गया, उदासियाँ भी आ गई, मैं चुप रहने लगी, मैं बोलती नहीं थी। एक दिन मैंने फिर मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा मुझे काली कमली वाले के पास ले चलो। मम्मा कहते अब ये कौन है, क्योंकि हम सिख फैमिली से हैं तो ऐसा उन्हें कुछ पता नहीं था। हम तो गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम मानते हैं, जानते हैं। तो मम्मी कहती ये कौन है? मन का नहीं पता, पर अंदर से आ रहा है कि काली कमली वाले के पास जाना है। तो हम फिर कुछ टाइम बाद मम्मी कहती है चल कहीं चलते हैं। उनको किसी ने कुछ आइडिया दिया या मम्मी डिस्कस करती होगी कि मेरी बेटी कुछ ऐसी बातें करती है। तो मम्मी मुझे लेके गई एक गुरुद्वारे में जहाँ पे बाबा बिरसा जी मिल आते हैं, मतलब वो फर्स्ट टाइम ही गए थे मम्मा और मैं। तो वहाँ इतनी भीड़ थी और वो जो बाबा जी थे जहाँ के जो मेन थे वो वाइट कपड़े पहनते थे, टोटली वाइट ऊपर से नीचे तक।
हमें भी, हमने कहा, मैंने भी मन में तो बहुत वैराग था पर आंखें बंद थी, मैंने कहा चलो चलते हैं जहाँ मम्मा ले जा रही, कोई तो रास्ता मिलेगा ना जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। जब वहाँ तक पहुँचे तो इतना क्राउड जैसे गुड़ पे मक्खियाँ, उनके इतने फॉलोवर्स कह लो या उनके मानने वाले थे, तो मैं ना भीड़ में पीछे बैठ गई। और उम्र ज़्यादा नहीं रही होगी, मैं 12th में एंड में थी जब ये फर्स्ट ईयर में आ चुकी थी, बहुत भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में लास्ट में बैठ के, और मन में यही विचार आ रहा था गुरु भाई मेरा गुरु ऐसा नहीं होगा जिससे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, जिसके बाउंसर हों वहाँ जाने से, वो उस दिन उनके मैं दर्शन भी नहीं कर पाई, इतनी भीड़ थी। पर वहाँ पर से मैं एक बात बस ये सीख कर आई या समझ कर आई, मेरा गुरु ऐसा नहीं होगा, ये मेरे बस मन में मैंने बांध, गुरु चाहिए। ये मैंने कबीरदास जी का बायोग्राफी भी मुझे इसी दौरान पढ़ने को मिली, क्योंकि जो मेरी खोज थी तो मैं किताबें पढ़ने लगी कि कहीं तो मेरा हल और मेरा रास्ता निकलेगा। उसमें यही पता चला कि गुरु बिना गति नहीं इस राह सुहानी में, तो माइंड में ये बात आ गई कि गुरु की तलाश करनी है। गुरु की तलाश के लिए मैं चल पड़ी, जहाँ आश्रम जहाँ कुछ मिलता मैं ज़रूर जाती, पर मेरे मन में एक बात थी जो मेरा गुरु होगा मुझे पहचान लेगा, बस ये बात थी। क्योंकि अंदर तीव्रता इतनी थी उससे मिलने की, तो मुझे ये एहसास था कि मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, जो सच्चा होगा वो मुझे दूर से कह देगा आ जाओ मेरे पास, ये मैंने ठान लिया था अच्छे से। तो वहाँ से मैं वापस आ गई, कुछ नहीं मिला। तो जब 12वीं तक जो सब्र का बांध जो मेरे अंदर से एक क्या कहते हैं कि धरती से एक अमृत बह निकला था आंसुओं के जरिए, मैं बहुत रोने लगी। अब इस दौरान इधर मुझे एग्ज़ाम भी देने हैं, मुझे पढ़ना भी है, और इधर से आंसू ही आंसू मेरे बहते थे, मैं रात रात भर जागती थी। फिर क्या हुआ, जो अंदर की बात या ज्वाला मुझे निकालनी है वो मैं लिखने लगी। अचानक से रात भर उठती थी, कापी पेन लिखकर कुछ लिखने बैठ जाती थी, वो धीरे धीरे लिखना मेरे प्रेम पत्र बन गए। अब प्रेम पत्र भी इतने ज़्यादा हो गए कि वो डायरियों में बदल गए फिर डायरियाँ भी भरने लगी, और लिखते लिखते पता ही नहीं चला मैं कब कविताएं लिखने लग गई अपने प्रभु के मिलन के लिए, और अपना दिले हाल बताने लगी। जैसे कि मैंने एक बार लिखा, शुरुआती दौर में जो लिखा वो आपको बताती हूँ अंजलि जी, कि है अगर प्रेम सच्चा मेरा तो ये इबादत बन जाएगा, बिना पढ़े पवित्र ग्रंथों को उनका अर्थ दे जाएगा। बहुत खूबसूरत। हाँ जी, तो ये सिलसिला चलता रहा अपने ही अंदर, क्योंकि अब मैं ये समझ चुकी थी ये बात बाहर बताने वाली नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं सकता। लेकिन कोई, हम हैं तो इंसान ही ना, हमें कोई तो चाहिए जिससे हम कुछ तो अपना शेयर करें, या जब आंसू बहाने का मन करे कोई तो कंधा चाहिए जिस पे हम सिर टिका के रो सकें। तो मुझे कोई नहीं मिल रहा था, तो बस मेरी तन्हाई मेरे साथ थी, और वो रातें जो मैंने जाग जा के उसके लिए काटी हैं। तो मैम, आपने जैसे कि बताया अपने बचपन के बारे में, और आपने ये भी बताया कि वो कितना कलरफुल था, हालांकि आप अकेला रहना पसंद करती थी लेकिन आप अपने प्रभु से बात करती थी, तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। अब हम यहीं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और मैं जानना चाहूँगी कि आप PSSM से कैसे जुड़े। हाँ जी मैम, जब मैं हर जगह ढूँढ रही थी, अपने गुरु को ढूँढ रही थी, क्योंकि मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर इतनी बढ़ चुकी थी, मतलब पीक पर थी उस दौरान पे, बिल्कुल पीक पर मैं कह सकती हूँ। लेकिन मैं वो ओपन कैसे होगी, वो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ गई थी कि मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी कि तुम तो मैग्नेट हो, तुम्हें तो सोचना है झट से वो काम हो जाता है। तो उनकी वजह से मेरे को भी थोड़ा सा सोचना पड़ा, अच्छा ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे काम नहीं, मैटेरियलिस्टिक नहीं होने की वजह से मुझे काम नहीं करवाने भाई, मुझे जिसकी तलाश है मुझे वो चाहिए, काम से बात नहीं बनेगी। तो मेरे को था कि ये सब हो रहा है तो मुझे बात करनी है किसी से, मुझे किसी से रूबरू होके, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ऐसे बात करनी है। अंदर अंदर कुछ हो रहा है, हारमोनी फील हो रही है, सब कुछ है। मैं लिख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कोई सुन भी रहा है, कोई फील भी कर रहा है, लेकिन कौन? फिर मेरी ऐसी अंदर से छोटी सी फाइट होती थी कि मुझे सामने चाहिए हो आप, मैं आपको पकड़ना चाहती हूँ, आपको छूना चाहती हूँ ऐसे। क्योंकि जब मेरी भगवान की फ़ोटो सामने होती थी, पूरे लिप्स आईज सब वर्क करते थे, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो पूरी मेरे को इमोशन फील होते थे।
पर मुझे कहती थी ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे सामने चाहिए हो, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। क्योंकि होता है, क्योंकि अभी तक ज्ञान तो इतना मैं नहीं कह सकती थी, पर जो इच्छा थी उस उम्र के हिसाब से तो मुझे यही कह लगता था। तो जैसे कि मैंने लिखा भी इस दौरान पे कि काश तुम जमी पर होते, मर मिटे भी हमी पर होते, मेरी हर आशा तुम होते, प्रेम की परिभाषा तुम होते। ऐसे करके मेरा प्रेम अलाप चल रहा था, क्यों मुझे सामने चाहिए थे। तो उसके लिए मैं काफ़ी गुरुओं के, फिर मुझे लगा गुरु चाहिए, जो गुरु की तलाश थी। मैं हर जगह जा रही थी पर कहीं से मुझे किक नहीं मिल रही थी, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो फिर इसी दौरान जब मैं थी, थोड़ी और ग्रो करा, एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि मैं मैरिज नहीं कर सकती। मैंने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा मैं मैरिज नहीं करूँगी, कि मुझे नहीं लगता कि मैं मैरिज कर सकती हूँ। क्योंकि माइंड में कुछ था ही नहीं ऐसा, जो चाहिए उसे ढूंढ रही हूँ, वो मिल जाए तो फिर सोचेंगे आगे क्या करना है, पर अभी नहीं। पर फिर भी ऊपर वाले को शायद था कि नहीं इसे कुछ सिखाना है, क्योंकि अभी तक लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, फैमिली अच्छी, स्पिरिचुअलिटी भरपूर, जो चाहती थी वो हो रहा था। तो मुझे लगा लाइफ यही है। लेकिन अभी यूनिवर्स को मुझे बहुत से लेसन देने थे। तो बड़े फिल्मी स्टाइल में मेरी मैरिज भी हुई, जिसे अरेंज विद लव कह सकते हैं, अरेंज मैरिज हुई। और लेकिन यहाँ से मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पिछली लाइफ से बिल्कुल अपोजिट थी। जो मेरा बचपना था, स्पिरिचुअलिटी थी, और स्पिरिचुअलिटी होने से अपनी लाइफ में मेरे को, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी फ्रेंड्स कहती थी आप मैग्नेटिक हो, आप तो जो चाहते हो वो हो जाता है, तुम्हें तो सिर्फ सोचना है वो चीज़ तुम्हारे सामने हाजिर हो जाती है। और उस टाइम पे ऑरा भी इतना स्ट्रोंग था, हर जगह से मुझे तारीफ ही मिलती थी। अगर मैं जॉब के लिए भी जाती थी तो सब में से निकाल, क्यों में से निकाल के मेरी जॉब लग जाती थी। तो वो चीज़ों की शायद मुझे हैबिट भी हो गई थी कि सब अच्छा ही होता है मेरे साथ। तो यहाँ कुछ सिखाना था, मेरी मैरिज हुई यहाँ जस्ट अपोजिट, मुझे ससुराल में किसी ने पसंद नहीं किया। अब मैं सोच, अब मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट था, क्यों मुझे इस लाइफ की आदत ही नहीं थी। अब तक तो 20 साल गुजर गए थे मेरे अच्छे अच्छे मीठे मीठे। जब बहुत सारे वो फैमिली क्लैशेज होते हैं, वो सब मेरे साथ बहुत ज़्यादा होने लगे, ठाएँ ठाएँ दाएँ दाएँ सब हो रहा था मेरे साथ, और मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो गया। और उस डिप्रेशन में भी चले गई, उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन होने लगा, काफ़ी घरेलू फाइट्स होने लगी। तो धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगी, इतनी हैवी बीमार कि एक साल दो साल तीन साल होते 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 डाउन में बेड पर ही आ गई। टोटली डिप्रेशन, टोटली बॉडी के डिसीज़, मेंटल डिसीज़, बॉडी बायोलॉजिकल डिसीज़। अब 10 साल गुजर गए मेरे इस जीवन में, दो बच्चे भी हुए, दो बेटे मेरे। तो वो मेरी भगवान से, जो मैं चिट्ठियाँ थी वो भी छूट गई, लिखना भी छूट गया, क्योंकि अब ड्रामा स्टार्ट हो चुका था मेरी फैमिली में। तो अब मेरे आंसू पहले प्रेम के आंसू थे, अब दुख के आंसू में बदल गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इस प्रश्न को ढूंढते ढूंढते काफ़ी हताश हो गई थी, क्योंकि इससे पहले कोई गुरु भी नहीं मिला। उम्र जो समय निकल रहा था, 20 निकले, 30 निकले, 40 तक पहुँच गई, कोई रास्ता तो दिखा ही नहीं। इतने सारे विजन और एक्सपीरियंस हुए थे, वो सब जीरो हो गए। मैंने कहा ये हुआ क्या मेरे साथ, तो छल ही हो गया। भगवान दुनिया तो छलती है, आपने भी छल लिया, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ। बहुत आंसुओं से मैं रोती थी, भगवान से पूछती थी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। कोई हल नहीं देना था, आपने आना ही नहीं था, तो आपने मुझे प्रेम आलाप की शुरुआत ही क्यों की, ऐसा वो दिखाया ही क्यों मुझे, संसार की तरह संसारिक रहने देते ना फिर वो जीवन। अब तो मैं ना जमीन पर हूँ ना आसमान में हूँ, मैं तो बीच में सैंडविच हूँ। ऐसी मैं बातें करा करती थी मैं अपने भगवान से, बहुत रोई हूँ। और लग नहीं रहा था कि अब कुछ होएगा, क्योंकि 40 तक मैं पहुँच गई थी, बच्चे मेरे बड़े हो गए, बहुत पेनफुल जीवन था मेरा। पर कहीं कहीं लग रहा था कि शायद मुझे कुछ सिखाना चाहता है भगवान, कुछ तो मेरे लिए लेसन है इसके अंदर। तब एक दिन मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे कॉल किया कि PMC हिंदी है, और वहाँ पे एक पत्री जी हैं, ये फर्स्ट शब्द मेरे थे। तो तुरंत मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कहा अच्छा मैं ज़रूर देखूँगी। और मैंने तुरंत उसको ये जवाब दिया, हाँ इन्हीं को तो ढूंढ रही थी मैं, जबकि अभी मैंने फ़ोन भी नहीं खोला था, मैंने देखा भी नहीं था पत्री सर को, ना PMC हिंदी। तो मैंने तुरंत उसको ऐसे बोला कि हाँ इनको तो मैं ढूंढ रही थी ये। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन खोला, मैंने PMC हिंदी के यूट्यूब से देखा,
पतरी सर को देखा पहली बार, जो थंबनेल होता है उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था, वाइट बियर्ड थी उनकी। तो आपको वेरी ट्रू अपनी उस टाइम की फीलिंग बताऊंगी। मैं ऐसे देख रही थी, मैं न्यूट्रल फेज में, मैंने कहा ब्रह्म ऋषि पत्री जी, ब्रह्म ऋषि तो लग नहीं रहे, कोई दादा या नाना जैसे लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ लिखना पड़ता है ना ब्रह्म ऋषि, नहीं तो फिर कोई देखेगा क्यों। मतलब न्यूट्रल फेज, इसमें मेरी कोई वो नहीं था कि एक्स्ट्रा माइंड लगा रही हूँ, बस छोटा बच्चा न्यूट्रल फेज में, इतना मैंने बोला। उसके बाद मैंने वीडियोज़ देखनी स्टार्ट करी, आत्मा की यात्रा और सब, वो मेरे को सारी रिलेट हो। सबसे पहले तो मैंने जस्सी मैम की ही दिखी, कि वो भी सिख फैमिली से थी तो मैं भी थी, जो उनकी बात थी मैं रिलेट कर पा रही थी। हाँ हाँ उनकी लाइफ में भी वैसे ट्रॉमाज आए, मेरे भी आ रहे थे। मैंने कहा हाँ हाँ सही है सही है। तो 2 महीने तो मैंने स्टडी किया, सारी वीडियोज़ देखी सबके, तो मैं समझ पा रही थी, लेकिन सब मैं लग रहा था कुछ अपना है इसमें। फिर जस्सी मैम को ही मैंने कॉल किया और मैं इतनी हैरान थी, और मैं बड़ा ही थैंकफुल करती हूँ पीएमसी हिंदी के सभी मास्टर्स का, क्योंकि वो एक सीनियर प्राइमरी मास्टर है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कॉल करूँगी तो वो उठा लेंगी। वहीं से मैंने उनसे सफदरजंग परिनिर्वाणा पिरामिड का एड्रेस लिया, और मैं वहाँ पर गई भी, और बड़े ही मिरेकुलस स्टाइल्स में वहाँ मैं वहाँ पहुँची। बस घर से उठी जिस दिन मैंने प्लान किया कि रात को ही मैंने प्लान किया मैं तो सुबह पिरामिड जाऊंगी, जब मैं उठी तो मेरी एक आंख भी सूजी हुई थी, मैंने कहा नहीं मैं फिर भी जाऊंगी। तो मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँच के मैंने पिरामिड को देखा, कितनी सुंदर ग्रीनरी थी, गार्डनिंग कितनी अच्छी थी, और मैं याहू उतना करके तो बहुत खुश हो रही थी। मैंने गौतम बुद्धा का स्टैचू देखा, फिर वहाँ पर मैंने ध्यान किया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी सी मैं चुलबुली हूँ तो आँख भी खोल रही थी मैं बीच में, पर मुझे बहुत खुश थी क्योंकि जिसे मैं ढूंढ रही थी मुझे लग रहा था हाँ कि मैं पास आती जा रही हूँ। तो वहाँ से मैं शक्ति मैम आई थी वहाँ पर, वहाँ से मैंने शक्ति मैम से ध्यान करना सीखा, वहाँ से मैं ध्यान का एक गुण लेकर अपने घर आई। फिर मैंने ध्यान करा, घर पर आ गए तो ध्यान में मन नहीं लग रहा था शुरू में। जैसे ध्यान में बैठती थी मुझे घर के काम याद आते थे, अरे ये काम करना है वो काम करना है, फिर सोचा गड़बड़ हो रही है कुछ, तो मैंने सोचा संकल्प लेते हैं। मैं कहा ध्यान को ध्यान से करने का संकल्प लेना चाहिए चरणजीत, तो मैंने संकल्प लिया 40 दिन करने का कि 40 दिन करना ही है कुछ भी हो जाए। तो जब मैं अभी आपने कहा ना कि PSSM से, ओ ब्रह्म ऋषि पत्री जी ये तो दादा नाना है, उसका जवाब पत्री सर ने मुझे ध्यान में दिया। अभी आप सुनिए गौर से, मैं पहले दिन ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे कंवल के फूल में पत्री जी दिखते हैं, वो जो ऐसे बड़ा सा फूल होता है, और कह रहे हैं मैं ब्रह्म ऋषि, लिखा नहीं है मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। और मैं इतना रो रही हूँ, फिर आंसू से रोई जा रही हूँ, और उनके पैर पकड़ लिए मैंने, खूब रोई मैं, क्योंकि अब मुझे वो मिल गए थे जिन्हें मैं अब तक ढूंढ रही थी, चाहे ध्यान में ही मिले मुझे पर मेरी तलाश पूरी हुई। और सबसे सुंदर इस ध्यान के अनुभव में सबसे सुंदर अनुभूति ये थी कि उन्होंने मुझे 2 घंटे रोने दिया, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। जी तो मैम, अब आप पत्री जी से तो मिल चुके, और पत्री जी से मिलने का जो एक अनुभव आपको प्राप्त हुआ वो भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया ध्यान के माध्यम से। तो मैम अभी तक की जो आपकी जर्नी है इसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, और काफ़ी एक चुलबुलापन भी है, एक एंटरटेनमेंट सा भी है, और एक दुख भरी कहानी भी जो आपने उसमें बताई वो भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे करनी, और बहुत कुछ अभी भी आपके बारे में हमें जानना है, पर ये सब बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, ये थे चिरंजीत मैम, जिनकी कहानी हमने अभी तक आपको बताया, और भी बहुत कुछ है जो हमें मैम के बारे में जानना है, उनसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।